सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीजे लक्स क्लासेस। गाइस, वीडियो में बात करेंगे THSTI यानी कि ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से एक वैकेंसी जो है आ चुकी है। जी हाँ, स्टाफ नर्स और बहुत सारे पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट और विशेष करके जो है फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दो, पूरे भारत की नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन या घंटी का निशान है उस पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाला प्रत्येक वीडियो जो है आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम जो है पूरे भारत की नर्सिंग से रिलेटेड हर एक न्यूज़ जो है आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। एंड चलिए शुरू करते हैं। एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी है। वैकेंसी नोटिफिकेशन, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अपन सीधे चलेंगे, यहाँ पर पूरा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, सीधे चलेंगे अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले डाटा मैनेजर एंट्री के बारे में बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे स्टाफ नर्स की। तो स्टाफ नर्स के लिए जो है आपके पास क्या क्या होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि GNM और इक्विवेलेंट एंड रजिस्टर्ड नर्स और ANM विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी कि GNM ANM कोई भी हो चलेगा। इसके अलावा जो है इसमें आपके लिए एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, या फिर कह सकते हैं कि स्किल क्या चाहिए, तो वो स्किल मैं आपको बता देता हूँ। डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द पार्टिसिपेंट, डिस्क्राइब द स्टडी ऑब्जेक्टिव एंड टेक रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेप्ट फ्रॉम स्टडी पार्टिसिपेंट्स, कलेक्ट क्लिनिकल डाटा एट एनरोलमेंट एंड फॉलो अप विजिट्स, असिस्ट डॉक्टर इन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ना कि एक्सपीरियंस चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए, असिस्ट करना आना चाहिए, डाटा कलेक्ट करना आना चाहिए। इसके अलावा स्टडी ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करना आना चाहिए। डिटरमाइन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, असिस्टेंट डॉक्टर इन द क्लिनिकल प्रोसीजर रिलेवेंट फॉर द स्टडी इन्वॉल्व इन कलेक्शन ऑफ सैंपल, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपके स्टाफ नर्स की दो पोस्ट रहने वाली है, मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 30 साल रहने वाली है, और सैलरी जो है पर मंथ 21,500 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा टेक्नीशियन की भी पोस्ट हैं, 25,000 रुपये इसमें सैलरी रहेगी। अपन बात करेंगे लास्ट डेट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 अगस्त 2021 रहेगी। द एप्लीकेशन विल बी स्क्रीनटेस्ट या शॉर्टलिस्टेड एंड प्रोसेस्ड फॉर द फर्दर सेलेक्शन। अब जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं थोड़ी, तो दीज आर शॉर्ट टर्म्स, ये चार ही चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हैं। पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम जो है शॉर्ट एंड स्वेट आपको समझाना चाहते हैं। तो पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर सर्च करें पीजे लक्ष्य क्लासेस, वहाँ पर आपको ये PDF और भी बहुत सारे एग्जाम्स की PDF जो है वहाँ पर मिलती रहती है, तो आप जल्दी से उसको ज्वाइन कर लें। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि अप्लाई कैसे करना है। डॉक्यूमेंट्स टू बी केप्ट हैंडी बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन, ऑल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट शुड बी इन PDF फॉर्मेट, ठीक है, यानी कि आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसॉफ्ट कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटोज एंड सिग्नेचर, ठीक है। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव CV कंटेनिंग डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन पोजिशंस हेल्ड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड डिस्टिंक्शन, ठीक है। उसके अलावा है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएट या डिप्लोमा जो भी है GNM वगैरह उसकी मार्कशीट, मास्टर डिग्री मार्कशीट और रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, और कास्ट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपकी रिजर्वेशन के लिए आवश्यक है, वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑफ फॉर्म, द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन एट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट www.thsti.rec.in जो है कैरियर, ठीक है। एप्लीकेशन थ्रू एनी अदर मोड विल बी नॉट एक्सेप्टेड, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसकी विशेष करके आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको याद रखना है। अब कैसे भरना, फर्स्ट स्टेप में आपको डिटेल ऑफ एप्लीकेशन पे जाना है, अपलोड द डॉक्यूमेंट पे जाना है, फिर पेमेंट एप्लीकेशन फीस, ठीक है। द पेमेंट कैन बी मेड बाई यूजिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, यानी कि ऑनलाइन कैसे भी पेमेंट हो जाएगा। अब बात करेंगे पेमेंट कितना है आपका, तो अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए 236 रुपये मात्र, और SC ST वुमेन एंड PWBDs के लिए जो है 118। स्टेप फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि सबसे पहले फॉर्म खोलना है, फिर अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट, फिर पेमेंट कटवाना है, और उसके बाद जो है सबमिट करना है। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर एनकरेज टू अप्लाई, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वीमेन एंड
मैन दोनों के ये वैकेंसी है, लेकिन वेमेन को जो है इनकरेज करती है कि आप भी इसमें फॉर्म भरिए। तो गाइज यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर आपको नर्सिंग से जुड़ी ऐसी ही रिलेटेड, जो नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।